भगवान सारा दुख मुझे ही क्यों दे रहे हैं? ऐसे सवाल अक्सर हम सभी के मन में आते हैं। कई लोगों की जिंदगी की तो यह हकीकत होती है कि दुनिया भर का दुख उनको ही मिल रहा होता है। क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक कारण कार्मिक ट्रॉमा भी हो सकता है? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। आज मैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पर यह वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है कार्मिक ट्रॉमा। जी हाँ, कार्मिक ट्रॉमा हम सभी की जिंदगी में हम कई बार देखते हैं लेकिन उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये कार्मिक ट्रॉमास क्या है, किन लोगों को ये मिलते हैं, लक्षण क्या है और साथ ही कि कैसे इनसे उभरा जाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कार्मिक ट्रॉमा क्या है। जब भी आपको किसी तरह का ट्रॉमा या सदमा होता है तो आप अपने मन में एक सवाल लिए होते हैं कि आखिर आप ही क्यों, आपने ऐसा क्या किया है कि भगवान आपको इतना दुख दे रहे हैं। आपका दिल इस दुख से उबरने की बजाय और ज्यादा दुख में चला जाता है। कई बार इस दुख का कारण कार्मिक चक्र होता है, जो आपको दुख और तकलीफ के साइकिल में उलझा कर रखता है। लॉ ऑफ कर्म के मुताबिक आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल आपको भुगतना ही पड़ता है और वही फल दुख और परेशानी के रूप में आपके सामने आते हैं। कई बार आपको वो फल तुरंत मिल जाता है, कई बार उसमें समय लगता है और कई बार आप पिछले जन्म का कर्ज इस जन्म में चुका रहे होते हैं। तो ये पिछले जन्म का जो कर्ज होता है यही कार्मिक ट्रॉमास के रूप में हमारे इस जन्म में निकलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कार्मिक ट्रॉमा से बाहर आया जा सकता है। कुछ 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको रोज फॉलो करना है। सबसे पहले तो इस सच को एक्सेप्ट करें कि आप जो तकलीफ झेल रहे हैं वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। आपके इस जर्नी में सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप ये मान लेते हैं कि सारी दुनिया या भगवान आपको तकलीफ देने के लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहले इस ब्लेम गेम से बाहर निकलिए, ब्लेम करना छोड़िए। एक बार आप ये कर लेंगे तब आपको अपनी तकलीफ की रूट कॉज को तलाशना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं कि कर्म कहाँ खराब हुए हैं तब तक उसे सुधारेंगे कैसे। एक बार जब आप अपने कर्म का कारण जान लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आप दुखी क्यों हैं। कई बार लोग कुछ चीजों से हर्ट हो जाते हैं और उसे गुस्से का रूप दे देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो हर्ट है या गुस्सा। जब तक आप अपनी भावना समझेंगे नहीं उसे निकालने के लिए सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गिल्ट, गुस्सा, चिढ़, खुद को तकलीफ पहुंचाना, ये ऐसी भावनाएं हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं। अगला स्टेप है अपने पुराने कर्मों का और उससे जुड़ी तकलीफ भरी भावना का एक बार फिर से सामना करना। आई नो बहुत मुश्किल है लेकिन ये आपको करना होगा क्योंकि उस परिस्थिति को सोचना सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। लेकिन अगर दुख मिटाना है तो एक बार हिम्मत जुटाकर आपको उससे भिड़ना ही होगा। अगला स्टेप है ये समझना कि जो ट्रॉमा आप इस जन्म के कारण झेल रहे हैं उसे आप फिर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो आपको किसी और जन्म का मिल रहा है वो आपके हाथ में है ही नहीं। भूल जाइए कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। उस तकलीफ का बोझ उठाने से, अपनी किस्मत को कोसने से आप हील नहीं होंगे, बल्कि आपको इस बात की जिम्मेदारी उठानी होगी कि आप जो कुछ भी झेल रहे हैं उसमें किसी और का कोई दोष नहीं है बल्कि आपका ही है। एक बार जब ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी ना तो आपके लिए आगे बढ़ना और उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जिनको आप अपनाकर कार्मिक ट्रॉमा से डील कर सकते हैं। आई नो कि बहुत मुश्किल होता है और एक दिन में रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप डे टू डे रूटीन में इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंसी बनाकर ऐसे ही स्टेप्स बाय स्टेप ये चीजें करेंगे तब आप एक पॉजिटिव बदलाव अपनी जिंदगी में जरूर देखेंगे। आप मुझे जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये स्टेप्स अपनाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं ना आप मुझे जरूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।